एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें, व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड ऑफ फोर्स और बाय इट्स कॉन्फिग्रेशन। सब मुंह देख रहे हैं, ये क्या है? ये तो थ्री इडियट वाला सीन हो गया कि व्हाट इज मशीन, वो पता नहीं क्या बोलता है कि कौन सी मशीन है। तो वही हो गई, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी और अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द फील्ड ऑफ फोर्स और बाय इट्स कॉन्फिग्रेशन। अब आराम से, पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की है। पहली टाइप क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसका मतलब कि ग्रेविटी की फोर्स उस किसी भी स्टोन को, ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है। मैं उस फोर्स के अगेंस्ट काम करता हूँ, वर्क डन करता हूँ अगेंस्ट नेचर, और उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आता हूँ, और जो मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन करता हूँ वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। एक दूसरा, स्प्रिंग की एनर्जी को स्प्रिंग एनर्जी बोलते हैं या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्प्रिंग को घुमाता हूँ या स्प्रिंग को एक्सपैंड करता हूँ या कंप्रेस करता हूँ। स्प्रिंग को छेड़छाड़ करना को बोलते हैं कॉन्फिग्रेशन चेंज करना, खींचना या उसको दबाना या गोल घुमाना, कॉन्फिग्रेशन चेंज करना डेफिनेशन है। इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पत्थर की पोजीशन आपने क्या की, चेंज की, और किस में चेंज की, इन अ फील्ड ऑफ फोर्स। कौन सा फील्ड था? ग्रेविटेशनल फील्ड था। ग्रेविटेशनल फील्ड में आपने उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। तो एनर्जी स्टोर, जो वर्क डन किया, वो पोटेंशियल एनर्जी है, और बाय इट्स कॉन्फिग्रेशन। तो पोजीशन चेंज का करने का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्फिग्रेशन का मतलब स्प्रिंग एनर्जी, क्योंकि आपने क्या किया, कॉन्फिग्रेशन उसकी चेंज की। तो समझ में आ रहा है ये डेफिनेशन कैसे बनी। तो इसने एक ही डेफिनेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसी डेफिनेशन में स्प्रिंग एनर्जी, कॉन्फिग्रेशन वर्ड लगा के दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो म्यूचुअल एनर्जी और एनर्जी ऑफ कॉन्फिग्रेशन। इसकी जरूरत नहीं आपको करने की। एक एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजिशन, अब वो कह रहे हैं ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं। पोजिशन, पोजिशन में क्या है, वो कह रहे हैं एक बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन अलाउड टू फॉल डाउन इट कैन डू वर्क डन। कह रहे ठीक है, पत्थर पड़ा है कहाँ पे, छत पे, छत पे कैसे पहुंचा, आपने वर्क डन किया, आप लेके गए ऊपर, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई। अब पत्थर को नीचे फेंक दो, पत्थर आपको वही वर्क डन करके दिखाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। शीशा तोड़ सकता है, किसी के ऊपर गिर सकता है, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। वो एनर्जी कहाँ से स्टोर हुई थी, आपने वर्क डन किया था ऊपर लेके जाने में, और वो वर्क डन वापस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बाहर आएगा। तो पहला यानी कि आपने उसकी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फिग्रेशन, टॉय है, टॉय में चाबी देते हो, स्प्रिंग फोल्ड करते हो, स्प्रिंग खुलता है, तो स्प्रिंग जब फोल्ड कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, एनर्जी स्टोर कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो। वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा स्प्रिंग में, जब स्प्रिंग खुलेगा तो वर्क डन करके दिखाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टॉय भागना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी जो स्प्रिंग की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में वापस कन्वर्ट करनी स्टार्ट हो जाएगी, और स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कहाँ से आई, आपने क्या किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। ठीक हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में एक्चुअल में तीन टाइप की पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टडी करते हैं प्लस वन प्लस टू मिला के। तो अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता दिया मैंने, इट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज विच अट्रैक्ट वन अनदर थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। कह रहे हैं अर्थ और पत्थर चिपके हुए हैं, क्योंकि अर्थ पत्थर को खींच रही है, अट्रैक्टिव फोर्स है। आपने क्या किया, वर्क डन किया, उनको सेपरेट किया, सेपरेट करने में वर्क डन किया, वो एनर्जी स्टोर को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहला एग्जाम्पल क्लियर है। नेक्स्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन या एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ द इलास्टिक ऑब्जेक्ट लाइक स्प्रिंग। तीसरी एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्जेस की वजह से। ये प्लस टू में करेंगे। दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे के पास आने को तैयार नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। पर आप जबरदस्ती पास ला रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब छोड़ दो, आपने वर्क डन किया, वो पास आ गए, छोड़ो, अब वो आपको वर्क डन करके दिखाएंगे। वो वर्क डन कैसे करके दिखाएंगे, अपने जो आपने उनके अंदर वर्क डन स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक की फॉर्म में बाहर आएगा और चार्जेस दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। तो क्लियर है यहाँ तक? ये पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम्पल्स हैं और डेफिनेशंस हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई,
इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाई द बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ. बता ही दिया मैंने, अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ वो कहाँ जाएगी, वो क्या है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी.